दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, शेर जंगल का बादशाह है। जानवर अपनी ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी गुजार रहे थे, अपना खाना खाते थे और अपने घर को चले जाते थे। एक दिन वहाँ गाय आती है और अपना खाना खाने की कोशिश करती है कि अचानक वहाँ से एक शेर आ जाता है। शेर गाय पर हमला करता है और गाय को अपना शिकार बना लेता है, अपने पेट पूजा करता है और खाता है। फिर वो आराम कर अपनी गुफा में चला जाता है। शेर की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। वो दिन में खाता, शिकार करता और रात में सो जाता था। जब उसे मौका मिलता वो शिकार करता, खाता और सो जाता। फिर अचानक दिन वहाँ एक चूहा आता है। उसे शेर की गुफा की बराबर में एक घर दिखता है जो उसको बड़ा पसंद आता है। एक दिन चूहे के दिल में लालच आ जाती है। चूहा सोचता है क्यों ना शेर के बाल कुतर के खा लिए जाए, और वो वहाँ बड़े आराम से चला जाता है और शेर के बाल कुतर के खा लेता है। चूहा बड़े मज़े से खाता है और अपने बिल में चला जाता है। शेर को ये सब नहीं पता चलता। अगले दिन जब शेर उठता है और देखता है कि मेरे बाल किसी ने कुतर के खा लिए, तो वो कहता है, किसकी इतनी मिजाल कि मेरे बाल कुतर के खा ले। ये सब अच्छा नहीं किया जिसने भी किया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। शेर जोर से धाड़ता है। शेर सोने का नाटक करता है। चूहा फिर से अपने बिल से बाहर निकलता है और जब चूहा ये सब देखता है कि शेर सो रहा है, तो वो फिर से शेर के बाल कुतर के खाने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार शेर जान कर रहा है, तो वो चूहे पे हमला कर देता है। चूहा अपने बिल में वापस भाग जाता है, शेर के हाथ नहीं लगता। अब ये तमाशा रोज का होने लगता है। कौन है जो इतनी मदद कर सकता है, मैं सोचता हूँ फिर भी समझ नहीं आता। इस छोटी सी नन्ही जान ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। क्या करूं मेरे खुदाया, तू ही कोई रास्ता दिखा। फिर उसके अचानक जहन में आता है कि बिल्ली मेरी मदद कर सकती है, और वो बिल्ली के पास जाता है। बिल्ली को सारा माजरा बताता है। बिल्ली बहुत आराम से उसकी ये सारी बात सुनती है। वो बिल्ली उसके साथ एक डील बनाती है और उसके साथ चल पड़ती है। दोनों गुफा की तरफ चल पड़ते हैं। अब शेर और बिल्ली दोनों दोस्त बन चुके होते हैं। शेर की ज़िंदगी अब बहुत सुकून की होती है। वो शिकार करता और सुकून की नींद सोता, क्योंकि बिल्ली उसका पहरा दे रही थी। बिल्ली अब सिर्फ उसका इंतज़ार करती खाने के लिए। शेर जो भी शिकार करता उसमें से कुछ हिस्सा बिल्ली के लिए ले आता। अब बिल्ली पहले से भी ज़्यादा तंदुरुस्त हो चुकी थी, खूब खाती पीती, और वो सिर्फ चूहे का इंतज़ार कर रही थी। चूहा बिल से बाहर नहीं आता था। शेर सुकून की नींद सोता था और बिल्ली सिर्फ पहरा देती थी। चूहा बिल्ली के डर से बिल से बाहर नहीं आता और दिन ब दिन कमज़ोर होता गया। चूहे ने सोचा, अगर मैं इसी तरह रहा तो भूख से मर जाऊंगा। वो बाहर आने की कोशिश करता है और देखता है बिल्ली सामने बैठी है। फिर भी वो कोशिश करता है कि वो जाए। वो निकल जाता है खाने के लिए। फिर बिल्ली देख के हमला कर लेती है चूहे पर। चूहे पर हमला करके वो उसे दबोच लेती है। बिल्ली जब उसे दबोचती है तो कहती है, बताओ अब मैं क्या करूँगी तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें खाऊँगी भी और शेर मुझे इनाम भी देगा। चूहा ये सब सोचता है, अब मैं क्या करूँगा, मेरी तो जान चली गई। तो चूहा सोचता है क्यों ना बिल्ली के साथ एक खेल खेला जाए। देखो भाई, मेरी जान लेकर तुम्हें क्या मिलेगा, तुम एक काम करो, मुझे आज़ाद कर दो। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, तुमसे पहले भी एक बिल्ली थी यहाँ जिसने एक चूहा पकड़ा था, और जब उसने शेर से कहा कि मेरा इनाम, तो शेर ने उसे कहा चले जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें खा जाऊँगा। खाना दे रहा हूँ, ये क्या गनीमत नहीं है। बिल्ली को ये बात समझ आई चूहे की, और बिल्ली ने अगले दिन शेर को कहा, शेर सरकार मैंने चूहे को मार दिया।
सुनकर शेर बहुत खुश होता है और कहता है, बहुत अच्छा किया तुमने, उसका यही अंजाम था, उसको मरना ही था। अब बिल्ली शेर से अपने इनाम की तवक्को करती है कि मेरा इनाम शेर मुझे देगा, चली जाए यहाँ से वरना तेरा खाने के सिवा मेरे पास कोई हल नहीं, चली जा चली जा। बिल्ली खामोशी से चली जाती है और अगले दिन प्लान के मुताबिक चूहा दोबारा शेर के बाल कुतरता है। और जब शेर उठता है, किसने ये हिम्मत दोबारा की कि मेरे बाल काट दिए, मैं छोड़ूंगा नहीं। इतनी देर में बिल्ली वहाँ से चलती हुई आती है और कहती है, शेर सरकार, यहाँ एक और चूहा है जो आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। तो शेर ये सुनते ही दोबारा बोलता है कि तुम मेरे पास दोबारा आ जाओ। और बिल्ली की ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजरना शुरू हो जाती है और वो और ज़्यादा तंदुरुस्त हो जाती है।